आधार कार्ड की एक बड़ी अपडेट आई है। अब अपने आधार कार्ड में नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, एड्रेस घर बैठे आप अपने मोबाइल फ़ोन से, लैपटॉप से बहुत ही आसानी से उसको आप करेक्शन कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। सो गाइस, मैं इंजीनियर राजा और मैं आपसे सजेस्ट करता हूं कि अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस रेड बटन को दबा के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस तरीके का नया नया वीडियोस पाइए आप रोजाना। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताऊँगा किस तरीके से आप अपने आधार कार्ड में कोई भी करेक्शन कैसे करेंगे जो नया अपडेट आया है। जैसे नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, एड्रेस, ये सारे कुछ आप घर बैठे आप अपने मोबाइल फ़ोन से, लैपटॉप से कर सकते हैं। अब कैसे करेक्शन करना है जो नया अपडेट आया है उसमें, ये देखने के लिए आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना होगा, तभी आप समझेंगे कि इसी तरीके से आप अपने नेम, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ और जेंडर को आप सही कर सकते हैं, करेक्शन कर सकते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आधार कार्ड की एक बहुत बड़ी अपडेट आई है जहां से आप देख रहे हैं कि नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, एड्रेस और लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं। इसको आप अपने मोबाइल से या लैपटॉप से भी कर सकते हैं। यहां पर आप देख रहे हैं कि यहां पे प्रोसीड टू अपडेट और चेक अपडेट, यहाँ पर दो ऑप्शन दे रखा है। तो लैंग्वेज चेंज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप जहाँ से भी है वहाँ का लैंग्वेज आप यहाँ पे बहुत ही आसानी से चेंज कर सकते हैं। तो सिंपली आपको यहाँ पे क्या करना, पहले वाला ऑप्शन पर जाके यहाँ प्रोसीड टू अपडेट पर ओके कर देना है। यहाँ पर अपडेट ओके करने पर यहाँ पर आपको आधार कार्ड की नंबर देना पड़ेगा। इसके बाद यहाँ पे आपको कैप्चा, जो यह कैप्चा है यहाँ पे आपको फिलअप करना पड़ेगा। अगर यहाँ पे कैप्चा नहीं आता है तो यहाँ से आप इसको रिफ्रेश करेंगे। देखिए मैं इसको रिफ्रेश कर रहा हूँ तो ये कैप्चा जो है ऑटोमेटिक यहाँ पे चेंज हो रहा है। तो आप इसी तरह इसको कैप्चा को यहाँ से ला सकते हैं और चेंज कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपको रजिस्टर मोबाइल नंबर पे एक OTP आएगा, वो OTP यहाँ पर डाल के यहाँ पे आपको लॉगिन कर देना है। तो सिंपली यहाँ पे मैं अपना आधार नंबर डाल देता हूँ। तो मेरे रजिस्टर मोबाइल नंबर पे एक OTP आ गया, मैं इसको यहाँ पर डाल के सबमिट कर देता हूँ। इसको यहाँ से लॉगिन, यहाँ पे आपको दो ऑप्शन आ जाएंगे, अपडेट डेमोग्राफी डाटा और एक नीचे वाले ऑप्शन। तो हमको ये अपडेट डेमोग्राफी डाटा को चूज करना है। तो आप सिंपली यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे मेरा लैंग्वेज का ऑप्शन आ चुका है, जेंडर का ऑप्शन आ चुका है, एड्रेस का ऑप्शन आ चुका है और ईमेल आईडी का ऑप्शन आ चुका है। यहाँ नेम आप देख सकते हैं, नेम का ऑप्शन आ चुका है, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर नेम ऑफ लाइफ में तीन ही बार यहाँ से आप चेंज करा सकते हैं। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ यहाँ देख रहे हैं एक ही बार यहाँ से आप चेंज करा सकते हैं। इसके बाद जेंडर आप एक ही बार चेंज करा सकते हैं। लैंग्वेज आप कोई लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं, मेल आईडी चेंज कर सकते हैं। तो आपको जो भी चेंज करना है यहाँ से आप इसको सेलेक्ट करके यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो सिंपली हमको यहाँ डेट ऑफ बर्थ चेंज करनी है तो मैं यहाँ डेट ऑफ बर्थ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद यहाँ नीचे प्रोसीड, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आप पढ़ भी सकते हैं, नेम आप ट्वाइस इन लाइफ, लाइफ में आप दो बार ही यहाँ पर चेंज करा सकते हैं। इसके बाद यहाँ देख रहे हैं कि डेट ऑफ बर्थ वंस टाइम, लाइफ में एक बार यहाँ से चेंज करा सकते हैं। जेंडर एक बार आप लाइफ में चेंज करा सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे और भी फॉर्मेलिटी दी हुई है जिसको आप बहुत आसानी से रीड कर सकते हैं। इसको यहाँ पे सम टर्म पे एक्सेप्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ से प्रोसीड, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे मेरा जो डेट ऑफ बर्थ है, डेट ऑफ बर्थ ऑप्शन आ चुका है। ये जो पहले से मेरा डेट ऑफ बर्थ है तो ये यहाँ पे मेरा ये ऑप्शन आया हुआ है, ठीक है। तो जो भी आपको डेट ऑफ बर्थ चेंज कराना है तो यहाँ पे आपको सिंपली यहाँ पे डालना पड़ेगा, कैलेंडर पर ओके कीजिएगा और ओके करने के बाद यहाँ से आप कैलेंडर पर चूज करके जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ डालना है तो यहाँ से आप इसको सिंपली डाल सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे सेलेक्ट डॉक्यूमेंट पर जाकर आप जो भी डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पर लगाना है, जैसे हो गया पासपोर्ट हो गया, SSC LC बैंक बुक सर्टिफिकेट हो गया, पासपोर्ट हो गया, बर्थ सर्टिफिकेट हो गया, पैन कार्ड और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं जो भी आपको इसमें भरना है। तो मैं चलिए यहाँ पर बैंक पैन कार्ड डाल देता हूं। तो आपको पैन कार्ड डालने के बाद यहां पर आप पैन कार्ड का अपलोड भी करना पड़ेगा और ध्यान रहे कि जो भी आप पैन कार्ड यहां पर अपलोड कीजिएगा तो उस हिसाब से आपका
जो भी यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ डाल रहे हैं तो पैन कार्ड के हिसाब से ही आपका यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए, तभी आपका ये डेट ऑफ बर्थ चेंज होगा, अन्यथा नहीं हो पाएगा, वो पेंडिंग हो जाएगा या कैंसिल भी हो सकता है। ठीक है, ध्यान देने वाली बात ये है कि आप पैन कार्ड जो भी अपलोड कीजिएगा यहाँ, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि मैक्सिमम साइज 2 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और जिसका फॉर्मेट जो है JPEG, PNG और PDF में होनी चाहिए, तभी इसमें आपका अपलोड हो पाएगा, नहीं तो इसमें अपलोड नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो मैं चलिए मैं यहाँ से डाल लेता हूँ, इसके बाद यहाँ पर सिंपली यहाँ पर मैं परव्यू कर देता हूँ, यहाँ मैं डाल दिया हूँ, इसके बाद यहाँ पर मैं सिंपली अपलोड पर जाता हूँ, या मैं जो भी मैं जरा जहाँ भी मेरा पैन कार्ड है तो सिंपली मैं यहाँ से पैन कार्ड को यहाँ पे अपलोड कर लेता हूँ। देखिए मेरा पैन कार्ड अपलोड हो चुकी है, जो फ्रंट साइज का हो गया, मैं बैक साइज बैक साइड का भी अपलोड कर देता हूँ, क्योंकि अब फ्रंट और बैक दोनों का यहाँ पर लगेगा, तो मैं दोनों का यहाँ पर अपलोड कर देता हूँ। अब देख रहे हैं कि मेरा ये सिंपली अपलोड हो चुका है, और आपका यहाँ से अगर चाहेगा कि आपको गलत हो जाएगा कहीं और कुछ और यहाँ पर अपलोड हो गया, तो यहाँ से आप रिमूव भी कर सकते हैं, इस पर सिंपली पर व्यू। तो आप देख रहे हैं कि बहुत ही सिंपल तरीके से यहाँ हमारा डेट ऑफ बर्थ का करेक्शन का अपलोड होकर आ चुका है, इसमें मेरा पैन कार्ड भी है, इस यहाँ से जाकर आप रीडिंग भी कर सकते हैं, और यहाँ पर अगर कैप्चा नहीं आता है तो यहाँ से आप कैप्चा को रिफ्रेश करके यहाँ कैप्चा दूसरा भी कैप्चा भी ला सकते हैं, जैसे यहाँ पर गोल हो जाता नहीं आ रहा है तो यहाँ से आप रिफ्रेश कर लीजिएगा, आप टेंशन नहीं लीजिएगा कि मेरा क्यों नहीं आ रहा है, तो यहाँ से आप रिफ्रेश करके ला सकते हैं। इसके बाद यहाँ कैप्चा डाल के यहाँ सेंड OTP कीजिएगा, तो आपका रजिस्टर मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, यहाँ पर OTP डाल के आपको यहाँ मेक मार्क को एग्री करके यहाँ पे मेक पेमेंट पे ओके करना है। चलिए मैं यहाँ पे फटाफट से यहाँ पे डाल लेता हूँ, सेंड OTP में ओके कर दिया, यहाँ पे देख रहे हैं कि मेरा OTP मेरे रजिस्टर मोबाइल नंबर पे आ चुका है, तो मैं यहाँ से सेंड OTP में यहाँ पे डाल देता हूँ। डालने के बाद यहाँ टर्म को एग्री कीजिए, इसके बाद यहाँ पर आप मेक पेमेंट पर ओके करने के बाद आपको कुछ इस तरह से ऑप्शन आएगा कार्ड का और नेट बैंकिंग का, तो यहाँ से आप डाल सकते हैं अपना कार्ड। तो आप देख रहे हैं कि आपको यहाँ 50 रुपये कट हो जाएंगे आपके अकाउंट में से, यहाँ कार्ड नंबर का ऑप्शन आ चुका है, यहाँ नेट बैंकिंग का ऑप्शन आ चुका है। चलिए मैं कार्ड वाला चूज कर लेता हूँ, यहाँ पर आपको कार्ड नंबर डालना है, यहाँ पर एक्सपायरी डेट डालना है, यहाँ CCV डालना है, और यहाँ पर आपको कार्ड होल्डर का नाम डालना है, इसके बाद टर्म को एग्री करके यहाँ पर आपको प्रोसीड कर देना है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि मैं यहाँ पेमेंट कर चुका हूँ, और मेरा यहाँ पर सर्चिंग भी स्टार्ट हो चुका है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मेरा यहाँ पे 50 रुपये कट हो जाएंगे अकाउंट में से। आपको इसमें आपको जो कोड आया है यहाँ पर डाल के यहाँ पे मेक पेमेंट पे आपको ओके कर देना है। मेक पेमेंट पे करने के बाद यहाँ पे आपको एक रिसिप्ट मिल जाएगी, वो रिसिप्ट आप संभाल के रख लीजिएगा, और उसमें जो रिसिप्ट मिलेगी वो आपको नंबर दिया रहेगा, उस नंबर को आपको जाके चेक करना पड़ेगा, और उसमें आपको एक रेफरेंस नंबर दिया जाएगा जिसमें आप अपने स्टेटस ट्रैक कर सकते हैं कि आपका अपडेट का स्टेटस क्या है। इसके बाद कभी भी अपना स्टेटस चेक करने के लिए बैक आइएगा, बैक आने के बाद यहाँ पे इसके बाद यहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ पे आपको चेक अपडेट पर ओके कर देना है। ओके करने के बाद यहाँ पे आप सिंपली ओपन होकर आ जाएगा, यहाँ अपने अपना आधार नंबर डाल देना है। इसके बाद यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आपका जो वेरिफिकेशन कोड है, तो वो वेरिफिकेशन कोड यहाँ पे आपको यहाँ पर डालना है। इसके बाद यहाँ पर जो URN नंबर है जो आपको मिला होगा, वो URN नंबर यहाँ पे आपको डाल देना है। इसके बाद वेरिफिकेशन कोड यहाँ पे कोड डाल के यहाँ पर चेक अपडेट पे आपको ओके कर देना है। यहाँ पे आप वही नंबर डालेंगे जो आपको पेमेंट करने के बाद जो URN नंबर मिला होगा वो डालेंगे। इसके बाद सिंपली ये डाल के यहाँ पे चेक स्टेटस पे ओके करेंगे, तो आपको बता देगा कि आपका जो करेक्शन किए हैं उसका स्टेटस क्या है। इसमें आपको ज़्यादा दिन टाइम नहीं लगा, इसमें 3 से 4 दिन आपको जो करेक्शन में है उसमें आप टाइम लगता है, और 3 से 4 दिन में आपका ये करेक्शन होके आपको आ जाएगा। इसके बाद अपना आधार कार्ड ऑनलाइन भी डाउनलोड भी यहाँ से कर सकते हैं, और आप चाहे तो यहाँ से PVC कार्ड ऑनलाइन ऑर्डर भी यहाँ से और कर सकते हैं, जिससे आपको प्लास्टिक कार्ड मिल जाएगा। PVC कार्ड भी नया आया है जो प्लास्टिक कार्ड में कन्वर्ट कर दिया गया है, तो वो PVC कार्ड ऑर्डर कीजिएगा तो प्लास्टिक कार्ड में आपको वो मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप अपने मोबाइल फ़ोन से लैपटॉप से बहुत ही आसानी से नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, एड्रेस और लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं, और इसको आप अपने यूज में कहीं भी ला सकते हैं।
बिना आधार सेंटर जाए हुए। सो गाइस, आपने जाना कि किस तरीके से आधार कार्ड की जो नई अपडेट आई है उसमें आप नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, एड्रेस किस तरीके से आप करेक्शन कर सकते हैं, सही कर सकते हैं। सो आई होप कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए। अगर आपके दिल में कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कॉमेंट बॉक्स में जाके कॉमेंट करके पूछ सकते हैं।